सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है स्पेशल दिन क्योंकि आज है 15 अगस्त और इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और आज मेरे लिए एक स्पेशल दिन और भी है, आज 15 अगस्त को मतलब मेरा बर्थडे भी है, रियल वाला बर्थडे। और सर्टिफिकेट वाला तो दूसरा है क्योंकि आप पहले होता ही था ना, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह तो कुछ बनाते नहीं थे, थोड़ा कि छोट एक दो साल उम्र थोड़ा कम करके बनाएंगे तो नौकरी के लिए चांस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसीलिए मतलब थोड़ा वो तो दूसरा ही है, मतलब अलग ही डेट में है। लेकिन रियल वाला जो बर्थडे है मेरा वो है आज 15 अगस्त को। तो देखते हैं आज किस किस को पता है मेरे बर्थडे के बारे में, क्योंकि मैं अभी रूम में बना रही हूँ ब्लॉग और बच्चे हैं बाहर और इसके पापा जो गए हैं वो भी बाहर गए हुए हैं, तो मैं यहाँ अकेले में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना था और उन्हें ना पता चल जाए और मैं उनसे पूछूँगी कि आज है क्या। और मैंने ये माइक भी मंगा लिया है अपने लिए, मतलब मेरे हस्बैंड ने मंगा दिया क्योंकि मेरे एक भांजे उनका कमेंट आया था कि मामी आप मतलब बहुत धीरे बोलती हैं और आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, इसीलिए तो क्योंकि मतलब मेरी ना आदत है, मतलब मैं मुझे मतलब धीरे बोलने की आदत है और आराम से बोलने की आदत है, तो वही होता है ना जैसा मतलब इंसान का नेचर होता है वैसे ही इंसान मतलब दिखाता है अपने आप को। अब मैं एकदम से मतलब इस तरह से आवाज़ ऊँची करके नहीं बोल पाती हूँ ना, चाहे मैं जितना भी कोशिश करूँ पर मतलब मुझसे धीरे ही बोला जाता है और आराम आराम से ही बोला जाता है, तो इसीलिए मतलब आवाज़ थोड़ी मेरी ज़्यादा आए आप लोगों की तरफ, तो मैंने मतलब इन्होंने मेरे लिए एक माइक मंगाया है। अब देखते हैं आज ही मैंने इसे यूज किया है कैसा होता है, आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और अब मैं जाती हूँ अपने बच्चों के पास और देखती हूँ उन्हें मेरा बर्थडे याद है या नहीं। ओके तो चलिए चलते हैं, बच्चों के पास आ चुकी हूँ और देखते हैं इन्हें आज क्या है। बच्चों 15 अगस्त, 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे। हाँ अरे मैं एक बात भूल गई, मैंने मतलब उसके चक्कर में वो सारी बातों के चक्कर में मैं आपसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना भूल गई, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की। और अब देखते हैं अच्छा और क्या है ये तो बता दे। अरे इंडिपेंडेंस डे आज को और कुछ भी नहीं है, मुझे क्या पता आज को इंडिपेंडेंस डे, आज को 15 अगस्त है, अगस्त महीना है। बहुत पहले मैंने एक बात बताई थी 15 अगस्त को क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे, आजादी, इंडिया आजाद हुआ था। चलो कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंस डे है आज, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, तो चलो क्या कर सकती हूँ ना, कुछ मतलब किसी को कुछ पता नहीं है दोस्तों, क्या करें। और मैंने इसे बहुत पहले बताया भी था लेकिन इसे कुछ याद नहीं है अभी तक, देखते हैं कोई सरप्राइज भी मुझे नहीं लगता है मिलने वाला है आज। अभी मम्मी कर रही है काम, तो मैंने झूठ बोला था मम्मी से कि मुझे उनका बर्थडे याद नहीं है, मुझे याद है कि उनका बर्थडे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन होता है, तो मैंने उनके लिए एक कार्ड भी बनाया, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये है मैंने बनाए मम्मी के लिए कार्ड। गाइस अब हम मम्मी को देंगे ये कार्ड। चलो हाँ चलो अब हम चलते हैं, चलो डब्बू ये लो पकड़ो, डब्बू ने पकड़ लिया कार्ड, अब हम देने चलते मम्मी को, चलो दिवित चलो। और वो मम्मी बर्तन धो रही है, चलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मम्मी। तुम्हें याद था? हाँ तो पहले तो तुम लोगों ने कहा कि मुझे कुछ नहीं याद है, मतलब ऐसे बता रहे थे कि तो हम सरप्राइज देना चाहते थे ना। ओके थैंक यू मेरा बच्चों, वेलकम बोलो, थैंक यू वेलकम। तो मेरी बेटी ने ये मतलब कार्ड बनाया मेरे लिए हैप्पी बर्थडे वाला, बहुत सुंदर कार्ड है आप देख सकते हैं, और इसमें
ये भी लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेरी बेटी ने लिखा है इसमें, गॉड ब्लेस यू मम्मा और टू द वर्ल्ड यू मे बी वन पर्सन बट यू टू मी यू आर द होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। तो इसका मतलब है आप संसार के लिए एक पर्सन होंगे पर मेरे लिए आप मेरा पूरा संसार हो। यू आर मे बेस्ट, माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। आई लव यू सो मच माई क्यूटी एंड लवली मम्मी। थैंक यू बेटी। मतलब मुझे लग रहा था कि इनको याद नहीं है मेरा बर्थडे, पर इन्हें याद था तो ये पनीर लेके आए थे और साथ में केक भी लेके आए थे। तो आज मैंने पनीर आलू और गोभी की सब्जी बनाई है और अभी यहाँ पर ये लोग मेरे केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं। और मतलब मुझे लगा था ना इन्हें किसी को याद नहीं है, तो एंजल को भी याद था तो और इसे देखो, इसे लग रहा है मम्मी को सरप्राइज देंगे तभी बोल रहा है मत आओ अभी मत आओ। अरे अब मुझे पता चल गया कि आप लोगों को ये पता है मेरा बर्थडे है आज। तो इसीलिए क्या, अरे चल ठीक है, अब मुझे आने नहीं दे रहा है दिब्बू। वो कह रहा है अभी मम्मी जब हम पूरी तैयारी कर लेंगे उसके बाद आना, तो थोड़ी देर में ही मिलते हैं आपसे जब मैं मतलब वो लोग पूरी तैयारी कर लेंगे उसके बाद। गाइस सब कुछ तो तैयार हो चुका है हमारा, ये केक और ये नाइफ, इसमें मैंने लिख दिया हैप्पी बर्थडे। ये सिंपल सिंपल सा लग रहा था, मैंने इसमें हैप्पी बर्थडे लिख दिया इसके से। और ये देखो केक, दोस्तों मैं तैयार भी हो गई हूँ और यहाँ कैंडल जल चुकी है। और ये देवी बहुत ज्यादा खुश है ना दीपू, किसका बर्थडे है? मम्मी का। आपका बर्थडे कब आएगा? सितंबर। इसका बर्थडे एक महीने बाद 15 सितंबर को है ना दीपू? हाँ। तो इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है दीपू? ओके। तो मम्मी अब केक कटिंग करेंगी। आ जाइए दोस्तों आप भी बर्थडे मनाने के लिए हमारे साथ। तो पहले फूको तो। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। चलो केक कटिंग। सबसे पहले मैं खिलाऊंगी अपने बेटे को डब्बू को, फिर वो पूरा खा लिया इसने तो। डब्बू मम्मी को कौन खिलाएगा? कोई नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, पहले मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। थैंक यू बेटे, फिर मैं खिलाऊंगी अपने गोलू को। कितना भूखा है केक का डब्बू, हम इतने महीनों के बाद खा रहे हैं जो केक है डब्बू। तो दोस्तों केक कटिंग तो हो चुकी है और बर्थडे भी सेलिब्रेट हो चुका है, अब थोड़ा और खा लेंगे केक। तो बच्चे ये केक खाएंगे अब, इनको मैं केक दे देती हूँ। तो केक कटिंग हो चुकी नहीं, है। एक मिनट, क्या हुआ? मम्मी का नाम राधा है तो उसके भी एक हिस्ट्री है कि मम्मी का नाम राधा कैसे बना हो, तो मम्मी अब बनाएगी। हिस्ट्री बना दिया इसने, हिस्ट्री कुछ नहीं है,
दोस्तों मतलब मेरा नाम राधा इसलिए रखा गया, मतलब मेरे घर वालों ने इसलिए रखा क्योंकि मेरा जो जन्म है वो जन्म कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हुआ था, जिस दिन कृष्ण जी का जन्म होता है। तो इसीलिए मतलब मेरी नानी जब आई फर्स्ट टाइम मुझे देखने, तो उन्होंने कहा मम्मी पापा से कि ये कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हुई है, मतलब जिस दिन जन्म होता है कृष्ण जी का, उसी दिन उसी रात भी मेरा ही मतलब मेरा भी जन्म हुआ था। तो मतलब तभी मतलब उन्होंने कहा कि इसका नाम भी मतलब राधा रखते हैं। तो मतलब मम्मी पापा ने भी सोचा कि हाँ अगर इस दिन हुई है तो राधा ही रख देते हैं, तभी मेरा नाम राधा रख दिया उन्होंने। बस यही स्टोरी है और इसने हिस्ट्री बता दी। कोई नहीं, तो चलो फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी देर भी हो चुकी है और मुझे खाना भी बनाना है। तो ठीक है बच्चों, बाय बोल दो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बटन दबा देना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, कल मिलते हैं एक ब्लॉग के साथ। ओके बाय, गुड नाइट।